very important question. And आई थिंक हर सीकर को विश्व में जिस मर्जी स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी से वो जुड़ा हुआ हो, उसको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए स्वयं से. अब वो क्वेश्चन है, क्या आप अपनी स्वयं की सच्ची अनुभूति अभिव्यक्ति हैं? क्या आप अपने स्वयं की सच्ची अभिव्यक्ति हैं? आर यू अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? लेट मी रिपीट द क्वेश्चन. आर यू अ ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? इट्स अ डीप क्वेश्चन, गहरा प्रश्न है, सोचने योग्य प्रश्न है, ध्यान देने योग्य प्रश्न है. और क्यों पूछ रहा हूं ये प्रश्न मैं आप सबसे? बिकॉज एज वी ऑल ऑब्जर्व दैट अगेन 95% ऑफ अस, मेरी दृष्टि में 95% लोग हम सब में से आर नॉट ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन सेल्फ. वो अपने स्वयं की सच्ची अभिव्यक्ति नहीं है. तो फिर किस चीज की अभिव्यक्ति है वो? वो अभिव्यक्ति हैं अपने कंडीशनिंग की, वो अभिव्यक्ति हैं अपनी टीचिंग की, जो उन्होंने बाहर से सीख के अपने जहन में एक्यूमुलेट कर लिया विदाउट क्वेश्चनिंग. जो सिर्फ मान के चले और जो जो गार्बेज उनके ऊपर डलता गया वो उसको लेते गए और कभी रीढ़ को खड़े करके क्वेश्चन नहीं किया दैट इज दिस राइट फॉर मी और नो. सो आर यू एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ? या आप एक्सप्रेशन हैं उस सब कंडीशनिंग के जो आपके ऊपर डाली गई, उन सब विचारों की जो आपके जहन में भर दिए गए, उन सब चीज़ों की जो अनकॉन्शियसली आपने अपने चित्त पे, अपने अपनी बीइंग पे बजा ली, मोरालिटीज़ के नाम पे या कल्चर के नाम पे या ट्रेडिशन के नाम पे जो सब आपके ऊपर डाला गया. मेरे देखे मोस्ट ऑफ अस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दैट विच वीव गैदर्ड, विच वीव अनकॉन्शियसली गैदर्ड, मोस्ट ऑफ विच इज गार्बेज. खाली नहीं हुए हम. सो हमारी अभिव्यक्तियां करप्टेड हैं, शायद वो स्वयं की अभिव्यक्ति है ही नहीं. मैं अक्सर मित्रों से प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज योर गिफ्ट? तुम इस पृथ्वी पे आए, तुमने जन्म लिया, परमात्मा ने तुम्हें भेजा, एग्जिस्टेंस ने तुम्हें यहां भेजा, नर्चर किया, तुम्हें शरीर, आत्मा, मस्तिष्क सब दिया. इसके साथ साथ एग्जिस्टेंस ने एक गिफ्ट जरूर दिया होगा तुम्हें. परमात्मा ऐसे किसी को भेजता नहीं पृथ्वी पे बिना किसी गिफ्ट के, बिना किसी हुनर के, बिना किसी कला के. एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू फ्रेंड्स हु आर 50, हु आर 60, ऑफ कोर्स हु आर 40s. एंड द शॉकिंग फैक्ट इज इसमें से मैक्सिमम दोस्तों को अभी तक जीवन में, दे कुड बी सक्सेसफुल हस्बैंड, सक्सेसफुल वाइफ्स, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, बट टिल नाउ मैनी ऑफ दीज फ्रेंड्स हैव नॉट फाउंड व्हाट इज देयर गिफ्ट. किस प्रकृति ने क्या गिफ्ट दिया इनमें, क्या क्या संदेश दे के भेजा गया इनको, क्या अभिव्यक्ति आनी चाहिए और नहीं ढूंढ पाए अपनी अभिव्यक्ति? वाई, क्यों नहीं ढूंढ पाए अपनी अभिव्यक्ति इतने वर्षों में? क्यों नहीं ढूंढ पाए मैं अपना स्वयं का गिफ्ट क्यों नहीं ढूंढ पाया आज तक? क्यों मेरी अभिव्यक्ति करप्टेड है? क्यों मेरी अभिव्यक्ति सत्य नहीं है, जो मैं हूं और जो मेरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए? जस्ट टू प्रूव दिस आप में से कितने मित्र हैं आज साथ में, अभी वट एवर एज यू आर एट, आप में से कितने मित्र हैं जिनको लगता है दैट दे नीड टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ? है ना, आई एम टॉकिंग प्रोफेशनल राइट नाउ.
वट एवर यू आर डूइंग इन योर प्रोफेशन इन योर जॉब, आप में से कितने मित्रों को लगता है नो नो यू आई नीड टू बी डूइंग समथिंग एल्स? इफ दैट इज वट यू फील इन योर हार्ट, विच मीन्स अभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं मिली, विच मीन्स अभी जो आप काम कर रहे हो दैट वर्क इज नॉट योर एक्सप्रेशन, दैट वर्क इज अ कंडीशनिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम अ कंडीशन सेट ऑफ माइंड. आपका काम आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, इसीलिए काम थका रहा है आपको, इसीलिए काम प्रेशर दे रहा है आपको, इसीलिए काम स्ट्रेस दे रहा है आपको, क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं है. एंड आई एम जस्ट यूजिंग वर्क योर प्रोफेशन जस्ट एज एन एग्जाम्पल हेयर. यू कैन अप्लाई द सेम अंडरस्टैंडिंग, आप यही अंडरस्टैंडिंग रिश्तों में लगा के देखें. आप में से कितने दोस्तों को लगता है कि यू आर नॉट इन द परफेक्ट रिलेशनशिप और यू स्टिल नॉट गॉट द परफेक्ट पार्टनर? अभिव्यक्ति का खेल है ये सारा. जिस दिन आपकी अभिव्यक्ति 100% आपके ट्रू सेल्फ का एक्सप्रेशन आने लगेगा, आपकी अभिव्यक्ति आप ही की स्वयं की अभिव्यक्ति होगी, उस दिन योर वर्क, योर रिलेशनशिप, योर कनेक्शन विद वट एवर यू डू विल बी ऑफ अ वेरी डिफरेंट नेचर. बिकॉज उस दिन आप स्वयं के साथ होंगे, उस दिन आप स्वयं में जानते होंगे वट डू यू नीड, वट डू यू लाइक, वट यू डोंट लाइक. एक छोटा और एग्जाम्पल देता हूँ इसी विषय में आपको. आपने कभी ऑब्जर्व किया स्वयं में या किसी और दोस्त में इर्द गिर्द कि आपका एक दोस्त आपसे मिलने आया और उसने लेट्स से गहरे हरे रंग की टी शर्ट डाली है. सडनली जब ये दोस्त आपको मिलने आया जिसने गहरे हरे रंग की टी शर्ट डाली है, इस दिन आपको थोड़ा अलग सा लगा. आपको अलग सा लगा बिकॉज ऑफ दैट कलर दैट दिस फ्रेंड इज वियरिंग. आपके लॉजिकल माइंड ने बोला हाँ बिकॉज मैंने यूजुअली इसको सफ़ेद रंग के कपड़ों में देखा, तो आज सडनली हरे रंग के कपड़ों में देख के मुझे थोड़ा ऐसे स्ट्रेंज सा लगा. या दैट्स व्हाट द लॉजिकल माइंड टेल्स यू, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रूथ. यू नो व्हाट द ट्रूथ इज? द ट्रूथ इज ईच वन ऑफ अस हैव आवर ओन कलर. हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से एक हमारे कुछ कलर्स होते हैं, हम सब के कुछ कलर्स होते हैं. जिस दिन आप कुछ ऐसा पहनोगे जो आपके व्यक्तित्व के कलर के हिसाब से नहीं कुछ और है, उस दिन सामने वाले को स्ट्रेंज दिखेगा, उस दिन आपको स्वयं से भी स्ट्रेंज लगेगा. बिकॉज दैट कलर इज नॉट द कलर ऑफ हु यू आर. आपके स्वयं आपका हृदय जानता है कि ये कलर आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, बट स्टिल यू वियर दैट कलर बिकॉज यू नो योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड और योर वाइफ हैज गिफ्टेड यू दैट. एंड आई नो मेनी फ्रेंड्स हु जस्ट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट वट एवर गिफ्ट्स दे गेट फ्रॉम देयर पार्टनर्स एंड कंटिन्यू टू वियर स्ट्रेंज कलर्स विच आर नॉट द कलर्स ऑफ देयर ओन बींग, जो उनके कलर्स हैं नहीं. Why I am talking about this example? Because आपके पार्टनर ने आपको अगर हरे कलर की टी शर्ट दी और आपने पहन ली और आपका हृदय जानता है कि ये मेरा कलर नहीं है, आपने अपने पार्टनर को खुश करने के लिए पहन ली, लॉजिकल माइंड. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, गहरे में जाकर टटोलना है इसको. आपने अपने पार्टनर को खुश करने के लिए नहीं पहनी वो हरे रंग की टी शर्ट, आपने वो इसलिए पहनी बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अनप्लेजेंट थिंग. बिकॉज आप रिजेक्ट करोगे, मना करोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इट विल गो इन टू अ लूप, इट विल क्रिएट अनप्लेजेंटनेस. टू अवॉइड दैट अनप्लेजेंटनेस यू डू दिस, राइट? बट नाउ यू डू इट दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. नाउ यू कॉन्टिन्यू टू डू दिस फॉर 10 years एंड देन यू रियलाइज, नो यू डोंट रियलाइज, बट वॉट रियली हैपन्स, you become docile, you become somebody else. आप हरे नीले लाल रंग की टी शर्ट्स पहनने लग जाते हैं और आपके शायद रंग थे सिर्फ सफ़ेद और ब्लूज और ग्रेज, जस्ट टू अवॉइड द अनप्लेजेंटनेस
फॉर 10 ईयर्स यू बीन डूइंग दैट एंड इन 10 ईयर्स यू फॉरगेट हु यू आर. इन 10 सालों में आप अपने स्वयं से बहुत दूर चले गए, आप भूल ही गए कि आपके कौन से कलर थे, आप भूल ही गए आपका स्वयं किन कलर्स में खिलता है. वी स्टार्टेड द डायलॉग फ्रॉम सेइंग दैट यू नो, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप वो सब क्या चीजें करते हो जो आपके स्वयं को नर्चर करता है, राइट? सो आई कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि इस 10 साल के बिहेवियर में जो आप हरे नीले लाल रंग की टी शर्ट्स पहनते रहे, हैव यू बीन नर्चरिंग योर सेल्फ और हैव यू जस्ट बीन अवॉइडिंग द अनप्लेजेंट सिचुएशंस, पॉसिबल अनप्लेजेंट सिचुएशन? हैव यू बीन रियली, इज दिस एक्ट ऑफ योर्स इज नर्चरिंग द सेल्फ? आप तो भूल ही गए आप कौन हैं, आप तो भूल ही गए कि आपके स्वभाव के रंग क्या हैं, आप तो भूल ही गए कौन से रंग आपकी बीइंग को नर्चर करते हैं. यू जस्ट फॉरगॉट. एंड व्हेन आई एम सेइंग आप भूल गए, मीनिंग व्हाट? आप इनसेंसिटिव हो गए इस चीज़ के प्रति. आपके भीतर जो एक सेंसिटिविटी थी अबाउट लेट्स से कलर्स, दैट सेंसिटिविटी इज गॉन. अब आप बोलते हैं, आपका यूजुअल डायलॉग होता है, इट डज नॉट मैटर व्हाट आई वियर, राइट? बहुत लोग आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, बट इट डज नॉट मैटर व्हाट आई वियर, जो मेरा पार्टनर मुझे ला देता है मैं पहन लेता हूँ. नो नो, बट इट मैटर्स. व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज यू आर लूजिंग योर सेंसिटिविटी. व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज यू आर लूजिंग द नर्चरिंग एस्पेक्ट ऑफ योर ओन सेल्फ. आप स्वयं की नर्चरिंग से थोड़ा और दूर गए. एक एग्जाम्पल दिया अभी मैंने, और ऐसे प्रतिदिन सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, एवरी डे. एंड इफ दिस इज हाउ आई स्टार्ट टू लिव एवरी डे, तो मैं भूल जाता हूँ कुछ वर्षों में कि मैं स्वयं का भी कुछ मेरा एग्जिस्ट करता है. और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्लासिकली ये विमेन के साथ बहुत होता है. विमेन हु बिकम लेट्स से हाउस होल्डर, उनके साथ बहुत होता है. जो घर का एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना होगा वो खा लेंगी, जो कोई भी रंग का कपड़ा आएगा उनको गिफ्ट मिलेगा वो पहन लेंगी. उनकी स्वयं की अनुभूति कुछ वर्षों में ख़त्म हो जाती है. इफ़ यू आस्क अ वुमन हु इज़ मैरिड फॉर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, बच्चे हैं, आपको बड़ा मुश्किल होगा उस विमेन के अंदर उसका अस्तित्व खोजना, उसका अस्तित्व देखना कि तुम हो कौन. Because that's what she does to herself, and that's what the society does to herself. उसको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, उसका हृदय किस खाने से, किस सेटिंग से, किस तरह के कमरे के डिज़ाइन से, किस तरह के कलर से खिलता है, that get missed. Yeah, I'm just making it as a general statement, you know, it does not happen to all the women in this country, but in a general way I'm saying. Yeah. Does that make some sense? Give me a second. I think there are few more thoughts some friends have shared. I'll quickly read about this. अतुल ने एक सुंदर थॉट लिखा है. ही सेइंग, इजंट इट आल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ वन स्पेंड्स टाइम विद वन सेल्फ, बिकॉज व्हेन लेफ्ट अलोन मोस्ट पीपल जस्ट इंडल्ज इनटू थॉट्स, पास्ट मेमोरीज. एंड लेट मी ऐड अतुल, मोस्ट पीपल जस्ट नॉट इंडल्ज इनटू थॉट्स एंड पास्ट मेमोरीज, दे इंडल्ज इनटू स्लीप. एंड स्लीप नॉट लाइक दिस, स्लीप इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर सोशल मीडिया थिंग. करेक्ट, यू आर राइट अतुल, कि हम में से बहुत व्यक्तियों को स्वयं के साथ समय बिताना नहीं आता. मैं फिर से आपको आपके बचपन में लेके जाता हूँ. आपके बचपन में आपको किसी ने नहीं सिखाया था आपको स्वयं के साथ समय कैसे बिताना है. आपने सीख लिया स्वयं, राइट? इट्स समथिंग विच इज़ इनग्रेन्ड इन यू. ये हम सबके भीतर है,
हम सब जानते हैं स्वयं के साथ समय कैसे बिताना है, हम सब जानते हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिए कि जब तुम बचपन में उस बारिश में घूमना पसंद करते थे, दीवारों को रंग करना पसंद करते थे, नाचना उछलना कूदना पसंद करते थे, वो तुम्हारे भीतर की अभिव्यक्ति थी। आज जब तुम थॉट्स और माइंड्स और पास्ट मेमोरीज और टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हो जाते हो, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द इनर बींग, इट इज़ अ कंडीशनिंग। दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही तो तुम्हारी कंडीशनिंग है जो तुम्हें, जिसने सोचना, सी ऑल योर एजुकेशन हैज़ प्रॉपर्ड यू टू थिंक, बट थिंक इन अ कंपल्सिव मैनर, नॉट थिंक इन अ कंट्रोल्ड मैनर। सारी एजुकेशन ने यही किया, उसने हमें कंपल्सिव थिंकर बनाया, या कंपल्सिव थिंकर भी नहीं बोलूँगा, कंपल्सिव फॉलोअर बनाया। फ्रेश थिंकिंग तो ख़त्म हो गई, पास्ट मेमोरीज में तो आप उलझे हैं, यस, या टेक्नोलॉजी में आप उलझे हैं। वेयर इज़ फ्रेशनेस ऑफ थिंकिंग? वट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ फ्रेशनेस ऑफ थिंकिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट, यू नो, बिकॉज टू मी थिंकिंग इज़ कंटेम्पलेटिंग, विच इज़ फ्रेश, विच इज़ इनोवेटिव, विच हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, विच इज़ एम्पावरिंग, जो बहुत द्वार खोलती है। इट्स मेडिटेटिव थिंकिंग, लेट्स कॉल इट, जिसका शब्द हमने कंटेम्पलेशन दिया है। सो थिंकिंग पर से इज़ नॉट बैड, बट येस, इफ़ एवरी टाइम आई एम जस्ट डूइंग दैट, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कब आपने स्वयं के साथ एक कप चाय बैठने का, कि बोला आज मैं बस स्वयं के साथ ये कप ऑफ टी पीऊँगा, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट फोन, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट न्यूज़ पेपर, वट एवर, आई एम गोइंग टू हैव दिस कप ऑफ टी जस्ट बाई माई सेल्फ, मे बी लुकिंग एट द ट्रीज, लुकिंग एट द बर्ड्स, लुकिंग एट द सनराइज और द सनसेट और वट एवर द मूवमेंट ऑफ द क्लाउड्स ऑन द स्काई। हमें लगा ये सब टाइम वेस्ट की चीज़ें हैं शायद, या बट हम भूल गए ये सब सेल्फ नर्चरिंग का प्रोसेस है। एक और मित्र ने पूछा कि वो क्या चीज़ें मैं प्रतिदिन अपने अपने साथ कर सकता हूँ जो सेल्फ नर्चरिंग है, जो मुझे वापस मेरे साथ कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगी। वट आर दोज स्मॉल थिंग्स? आई वुड से एवरीथिंग फ्रेंड, एवरीथिंग, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग एज ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी बाई योर सेल्फ ऑन योर ओन, टू आई ऑल्सो रिकमेंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एंड दिस ये मैं शायद आप सबको भी रिकमेंड करना चाहूँगा, स्पेंड टाइम अलोन विद नेचर इफ़ यू कैन, विच कुड बी वॉक इन द गार्डन और विच कुड बी सिटिंग ऑन योर बैल्कनी, एंड इफ देर इज अ ट्री विजिबल फ्रॉम देयर, एंड इफ देर इज नो ट्री विजिबल फ्रॉम देयर, जस्ट सिटिंग ऑन योर बैल्कनी इन अ फ्रेश एयर एंड ऑब्जर्विंग द स्काई। Sky is also nature, right? Sky is also nature. Huh? But it's like just sit and observe the phenomena of nature. To ask your question to this particular friend and to all of you, कब था last time जब बाहर बारिश हो रही है और आप अपनी खिड़की अपनी बालकनी में बैठे, क्या करने के लिए? बारिश देखने के लिए, बस। नॉट कि आप एक सेकेंड के लिए बाहर गए, देखा हाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज तो, और आप वापस आ गए, या आप बाहर गए बहुत तेज़ बारिश है, आपने एक छोटा सा फ़ोटो लिया या वीडियो बनाया टू सर्कुलेट एंड यू कम बैक, नॉट लाइक दैट। व्हेन देयर इज रेन हैपनिंग, यू वेंट आउटसाइड, यू जस्ट स्टूड देयर, वॉच्ड द रेन, आप सिर्फ वहाँ बैठ के खड़े होके बारिश को गिरते हुए देखा, देखा बच्चों को करते हैं ऐसा, इफ़ यू सी चिल्ड्रन दे डू दैट। अगर उनके माँ बाप बाहर खेलने नहीं जाने दे रहे उसको बारिश में, तो वो अपनी बालकनी से ही खड़ा होकर बारिश को देखेगा और देखता रहेगा बहुत देर तक, बस जस्ट एंजॉयिंग द, इट्स इतना बड़ा मिरेकल हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आकाश से पानी गिर रहा है, जो पानी सिर्फ नलकों में आपने देखा है अपने घर के, सडनली आकाश से पानी गिर रहा है, इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ मिरेकल, अद्भुत है ये कैसे हो रहा है।
ये कौन सी एंटी गुरुत्वाकर्षण थी जो पानी को वेपर बना के आकाश में ले गई? एंटी गुरुत्वाकर्षण काम हुआ ना ये, बिकॉज पानी जब वेपर बन के आकाश में गया तो भी तो वेट था उसका कुछ, बट गया वो आकाश में। एंटी ग्रेविटी, वाटर वेंट अप ऑन द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, एंटी ग्रेविटी, और फिर बरस रहा है वो बूंदों की तरह फैल के। वो नदी की तरह नहीं गिर रहा आपके ऊपर, वो फैल के बरस रहा है। इजंट इट अ मिरेकल? यस, इट्स अ मिरेकल इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द परव्यू ऑफ नर्चरिंग द इनर चाइल्ड। बट इट्स नॉट अ मिरेकल मिरेकल इफ यू लुक एट इट एज एन एवरीडे इवेंट, कि हाँ मतलब बारिश तो होती है, इट्स ओके। देन यू मिस द ब्यूटी, देन यू मिस द चांस जो आपके स्वयं को स्वयं के साथ कनेक्ट कर सकता था। ये छोटी छोटी चीज़ है, आपको कुछ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैजिकल और यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू एस्टैब्लिश दिस कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। यू हैव टू स्टार्ट टू डू दोज सिंपल स्मॉलेस्ट थिंग। मैं अक्सर बोलता हूँ द ब्यूटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन इट्स सिंप्लिसिटी। आपने सुना होगा ये, मैं बहुत अक्सर ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड द सीक्रेट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन इट्स सिंप्लिसिटी, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज टू प्रोफाउंड, सिंप्लिसिटी इज टू प्रोफाउंड टू ग्रास्प। या देयर आर फ्यू मोर थॉट्स, अ फ्रेंड हैज़ रिटन, उन्होंने कनेक्ट किया है हाउसवाइफ वाले एग्जाम्पल को सेवा के साथ, कि पर्सनल प्रेफरेंसेस को छोड़ के ये हाउसवाइफ इज़ इन द भाव ऑफ सेवा, जहाँ वो सबको सर्व कर रही हैं। मेरा काउंटर क्वेश्चन टू दिस फ्रेंड, आप एक सर्वे कीजिए, एक सर्वे बनाइए और आप 100 हाउसवाइफ से वो सर्वे फिल कराइए या पूछिए उनसे, और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना कि ऑब्वियस ना आए, क्योंकि जैसे ही सेवा बोलोगे तो एवरीबडी वांट्स, सी हर व्यक्ति भीतर से अच्छा होना चाहता है, तो ये हाउसवाइफ भी भीतर से कहेंगी हाँ हाँ सेवा का मोड है। बट थोड़े से इंटरेस्ट इंटेलिजेंटली अगर क्वेश्चन पोज करोगे तो दिखेगा आपको, उत्तर स्वयं मिलेंगे आपको। बिकॉज सेवा के भाव तक आने के लिए आपका स्वयं से कनेक्शन तो हो, जब तक तुम्हारा तुम्हारे स्वयं के साथ कनेक्शन नहीं है, जब तक तुम स्वयं के मित्र नहीं हो, सेवा उत्पन्न ही नहीं हो सकती आपके हृदय से। सेवा इज हायर, सेवा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके हृदय के विस्तार में निकल के आता है, और उस हृदय के विस्तार से सेवा के आने के लिए पहला पहला कदम तो ज़रूरी है कि मेरा स्वयं से तो रिश्ता हो, मैं स्वयं में तो परिपूर्ण हूँ। अगर मैं स्वयं में परिपूर्ण नहीं हूँ तो सेवा कहाँ से आएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं अपने स्वयं में परिपूर्ण नहीं हूँ तो सेवा कैसा आएगा? थिंक अबाउट दिस। Another friend has written, yes, एक मित्र अनिरुद्ध ने बहुत सुंदर लिखा, अबाउट अ फीलिंग ऑफ अ ट्राइब कनेक्टेडनेस। यस अनिरुद्ध, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, मैं सहमत हूँ आपसे, और अगले सत्संग में हम इसी विषय पे बात करेंगे। बट द पॉइंट जो अभी मैंने पहले प्रश्न का भी जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपने लिखा अ फीलिंग ऑफ अ ट्राइब, अ फीलिंग ऑफ अ कनेक्टिव कनेक्टिंग विद अ ट्राइब विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो।
बट फीलिंग ऑफ कनेक्टिंग विद द ट्राइब ऑफ द कलेक्टिव कैन ओनली कम व्हेन फर्स्ट आई एम कनेक्टेड विद माय ओन सेल्फ। अगर मेरा स्वयं से ही रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, मित्रता नहीं है, तो ट्राइब नहीं, ट्राइब का प्रश्न नहीं खड़ा होगा। अभी ट्राइब विल कम लेटर। वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड ओनली देन द ट्राइब विल गेट स्टार्ट टू गेट एस्टैब्लिश्ड। व्हेन दिस इज एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन ओनली देन द कलेक्टिव विल स्टार्ट टू गेट एस्टैब्लिश्ड। जब ये एस्टैब्लिश है, इस स्वयं के साथ रिश्ता एस्टैब्लिश है, तभी सैक्रिफाइस का भाव एस्टैब्लिश होना शुरू होगा। अगर स्वयं के साथ रिश्ता एस्टैब्लिश नहीं है, तो जिसको हम डेफिनेशन सैक्रिफाइस की देते हैं, वो एक्चुअली विक्टिम है, वो सैक्रिफाइस नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। आई जस्ट टेक वन मोर मिनट टू एक्सप्लेन ऑन दिस, सो दैट दिस इज वेरी क्लियर इन आवर हेड। हमने अच्छे शब्द अर्जित कर लिए और अपने अच्छे शब्द निर्मित कर लिए, और हमने हर चीज़ को उस उन अच्छे शब्दों के साथ जोड़ने की कोशिश की, हाँ, विच समटाइम इज नॉट राइट। सैक्रिफाइस सिर्फ उत्पन्न होता है। सैक्रिफाइस और सेवा में बहुत अंतर नहीं है, जो भी मैंने बात की थी अनिरुद्ध। सैक्रिफाइस और सेवा मेरे देखे एक ही है, और ये उत्पन्न होता है जब आप स्वयं के साथ एकदम परिपूर्ण हैं। आई एम फुलफिल्ड विद माई सेल्फ। मेरा अपने से रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत प्रेमपूर्वक है। यहाँ से शुरुआत होगी सैक्रिफाइस या सेवा की। मगर रियल जगत में, इन प्रैक्टिकल लाइफ, व्हाट आई सी विद माय ओन आइज मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट इज गोइंग ऑन इज दो तरह के लोग। या तो जिनको विक्टिम बना दिया जाता है सैक्रिफाइस के नाम पे, या कुछ लोग मार्टियर, शहीद बन जाते हैं सैक्रिफाइस के नाम से। हाँ, आपने सुना होगा ये, यू नो, व्हाट इज द वर्ड, एनीवे, सो या, सो हम बहुत बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यू नो, दैट डोंट ट्राई टू बी अ मार्टर। शहीद मत बनने की आप कोशिश करें। और ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? वी टॉक इट इन द कॉन्टेक्स्ट दैट इट इज़ नॉट नीडेड। आप एक पर्टिकुलर परिस्थिति में, एवरीडे लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक पर्टिकुलर परिस्थिति एवरीडे लाइफ में यू आर ट्राइंग टू बी मार्टियर वेयर इट इज़ नॉट नीडेड। बिकॉज जब आप वो सैक्रिफाइस करेंगे, जब आप वो शहीदी करेंगे, आपके, सी द रियल सैक्रिफाइस, द रियल सेवा, द रियल शहीदी आपके हृदय का विस्तार कर देता है। इस तरह से वो आपके हृदय को क्लोज नहीं करता। एंड एज आई एम सेइंग, इस हृदय के विस्तार होने के लिए थ्रू सैक्रिफाइस और सेवा और शहीदी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मेरा स्वयं से रिश्ता जुड़ा हो। अगर ये रिश्ता नहीं है, तो मैं विक्टिम बन जाऊँगा, तो मैं ऑप्रेस्ड बन जाऊँगा, तो मैं अपने भीतर की भावनाओं को सप्रेस कर रहा हूँ। तब मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ, वो मैं हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा, बिकॉज आई ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस फॉर दैट। और उसके रहते मेरा एक्सप्रेशन करप्ट हो जाता है, उसके रहते मेरी अभिव्यक्ति करप्ट हो जाती है, मैं वो नहीं रह पाता जो मैं होने आया था, मैं कुछ और ही बन जाता हूँ, मैं एक तोड़ जोड़ के कुछ एक अलग सी चीज़ बन जाता हूँ जो मैं था नहीं। थिंक अबाउट इट, देयर इज अ थिन लाइन। आई अंडरस्टैंड ये शायद बहुत इजी ना हो ग्रास्प करना, पकड़ना, बट थिंक अबाउट इट, देयर इज अ सर्टेन विजडम, थिंक अबाउट इट।